ईमानदार पंडित और चोर। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह बहुत ही ईमानदार था। उसके पास धन नहीं था, पर वह फिर भी सबकी चिंता एवं मदद करता था। एक दिन एक राहगीर उसके पास आया और उससे मंदिर में रुकने की मदद मांगी। पंडित को लगा कि बेचारा बहुत दूर से आया है, रात होने को आई है, पता नहीं कहां कहां भटकेगा। यह सोचकर पंडित जी ने उसे मंदिर में एक रात रुकने की अनुमति दे दी। लेकिन वह राहगीर एक चोर था। बहुत दिनों से उसकी नज़र मंदिर के भगवान के गहनों में थी, इसलिए वह साजिश के तहत राहगीर बनकर यहां आया था, जिसे मंदिर में रुकने के बहाने वह मंदिर में चोरी कर सके। पंडित ने राहगीर को खाना खिलाकर मंदिर के पास बने अपने कुटिए में सोने चले गए। आधी रात को जब सारा गांव सो गया, तब राहगीर उठ गया। उसने आसपास देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। चोरी के लिए उसे यही समय सही लगा। उसने मंदिर में चोरी कर ली और रात में ही गांव से दूर चला गया। सुबह जब पंडित जी आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में चोरी हो गई है। उन्होंने पूरे गांव में सूचना दी। देखते ही पूरा गांव मंदिर के परिसर में जमा हो गए। लेकिन दबे जबान पंडित के विरोधी ने मंदिर में चोरी का इल्जाम पंडित जी पर ही लगा दिया। विरोधियों ने दलील दी कि पंडित जी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी। पिछले हफ्ते उन्होंने नगर सेठ के यहाँ बेटी की शादी के लिए पैसे लोन लेने गए थे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। पंचायत बैठाई गई और उस पंचायत में पंडित जी को दोषी करार दिया गया और उन्हें मंदिर में चोरी का दोषी माना गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। फांसी देने की तिथि अगले महीने की दी गई। पंडित जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। हनुमान जी ने अपनी माया से चोर को पागल कर दिया। एक रात हनुमान जी ने एक बूढ़े पंडित के रूप में उस चोर के स्वप्न में आकर कहा कि तेरा जीवन और दुखदायी हो जाएगा, क्योंकि तूने मंदिर में चोरी की है और तेरी चोरी की सजा एक निर्दोष पंडित को दी जा रही है। इसलिए अगर तू वहां जाकर अपने दोष नहीं कबूलता तो तेरे कष्ट और बढ़ जाएंगे। अगले दिन ही चोर गांव की ओर चल दिया। अगले दिन वह वहां पहुंचकर गांव वालों के सामने अपना पाप कबूल लिया और चोरी की कई मूर्ति को पंचों के सामने पेश किया। पंचों ने पंडित जी को बुलाकर क्षमा मांगी और गांव में मौजूद उनके विरोधियों को, जिन्होंने पंडित जी को फंसाने के लिए झूठी गवाही दी थी, उन्हें भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और उस जुर्माने के पैसे को पंडित जी को दे दिया गया, जिससे वो अपनी कन्या का विवाह कर सके। गांव के अन्य लोगों ने भी क्षमा याचना के रूप में पंडित जी की बेटी की शादी के लिए दान एवं खूब सारे अनाज दिया। पंडित जी ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की। शिक्षा: जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान उनके कष्ट जल्दी ही दूर कर देते हैं। कष्ट जीवन की सीख देता है।